हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वेजिटेबल से बनी हुई हेल्दी और टेस्टी टिक्की की रेसिपी। तो चलिए हम बनाते हैं। उसके लिए लिए मैंने एक प्याज। हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, लंबा लंबा, और ये गोभी है इसको भी हम लंबा लंबा काटेंगे। देखिए, अब धनिया को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। और गाजर को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए, हमने लिए कटी हुई प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, थोड़ा सा पनीर, धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च, और ये देखिए गोभी। हमें गोभी हमने ली है प्याज की हाफ, जितनी हमारी गोभी है उसकी हाफ हमें प्याज लेनी है। अब इसमें हम ये सारी सब्जियां डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी, गोभी, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और गाजर, और हम पनीर के पीसेस कर देंगे छोटे छोटे। अब ये देखिए पनीर के पीसेस कर दिए, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ी हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें हम बेसन डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हम नमक डालेंगे, वो 3 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम बैटर की छोटी छोटी टिक्कियों के टिक्कियाँ बना लेंगे, जैसे हम टिक्की बनाते हैं ऐसे ही शेप में हम बना लेंगे। ये देखिए ऐसे हम इनकी शेप बना लेंगे, सारे बैटर की हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे हम बैटर से। अब ये देखिए, मैंने गैस पे तेल गरम होना रख दिया था, ये हल्का सा गरम हो गया है। अब जो हमने ये टिक्की बनाई है वो इसमें हम डाल देंगे। अब इनको हम देखिए पलट देंगे, ये हल्की हल्की पक गई है इस तरफ से, तो इनको हम पलट देंगे। गैस को हमें ज़्यादा तेज नहीं रखना, मीडियम ही रखना है। अब इनको हम निकाल लेंगे। देखिए ऐसे ही हम और भी अपनी सारी टिक्कियों को कर रहे हैं। टिक्कियां बनाई थी हमने, जो उनको हम हाथ से देखिए ऐसे प्रेस करके हल्के हल्के इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हल्के हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे और इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ बन के रेडी है। अब इसके हम प्लेटिंग करेंगे। अब ये देखिए हमारी वेजिटेबल टिक्कियाँ बनकर रेडी है। ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।